नेपालका केही टुरिज्म प्लेसको नाम जुन चाहिँ टुरिस्टहरूले धेरै मन पराउँछन्। अनि तपाईँहरू यो मेरो भिडियोमा नयाँ हो भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। अनि यो भिडियो चाहिँ सरी त्यसको लागि है, यो भिडियो चाहिँ हिन्दीमा छन् है। अनि स्टार्ट गरौँ। एक नम्बरमा पशुपतिनाथ मन्दिर आते है, जो काठमाडौँ गोशालामा स्थित है। और ये भगवान पशुपतिनाथ अर्थात भोले बाबा शंकर का मंदिर है। नंबर टू जानकी मंदिर, श्री जानकी मंदिर अर्थात माता सीता का मंदिर, जो नेपाल में तराई भाग में स्थित है। और उसका और ये मंदिर जनकपुर में पड़ता है तराई भाग में। शंभुनाथ, शंभुनाथ अर्थात शिव और गौतम बुद्ध दोनों का भगवान का समान रूप से मूर्तियाँ देखने के मिलती है। और इसलिए जय भोलेनाथ जय शिव शंभु बोलते हैं। ये बहुत ही ऊंचाई पे मंदिर स्थित है, वहाँ से पूरी काठमांडू दिखते हैं। नंबर थ्री पाटन दरबार, पाटन दरबार ललितपुर में पड़ता है। ये सबसे पुरानी मंदिर है और मंदिर के उस मंदिर को बुद्धिस्ट सिटी भी बोला जाता है। और अर्थक्वेक के वजह से भीतर छीने नहीं देते हैं मंदिर भीतर, अभी तो जा सकते हो। नंबर फाइव बुधानीकंठ मंदिर, बुधानीकंठ मंदिर अर्थात लॉर्ड विष्णु एंड बुद्धिस्ट का मंदिर, जो भगवान नारायण का भी मंदिर माना जाता है। और ये मंदिर नीलकंठ में गोल्फुटर मेन रोड में स्थित है, जो काफ़ी पुराने मंदिर है और भगवान विष्णु का और बुद्ध का मिश्रण जो उस मंदिर में प्रतिमाएं लगाए गए हैं, जो काफ़ी रोमांचक और अद्भुत लगते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेस जो नेपाल में स्थित है और टूरिस्ट लोग भी काफ़ी सारे मन पर आते हैं, जो नेपाल को बोला जाता है टूरिज्म प्लेस। जो नेपाल में बहुत सारे जैसे कि कृष्ण टेम्पल, भक्तपुर दरबार, चितवन नेशनल पार्क, लुबनी जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट और काला पानी, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ नेपाल में स्थित है। और पोखरा भी काफ़ी टूरिज्म प्लेस है। तो पोखरा को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और सिर्फ काठमांडू का प्लेस और सारा चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो प्लीज़ मैं भी नहीं घुमाऊँ, तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को मन लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये मेरा मैं एक नेपाली हूँ और हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए। इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं खुद जाकर मंदिरों में वीडियो बना कर आप सबको दिखाऊंगा, और सपोर्ट कीजिए। और ऐसा ऐसा वीडियो प्लेस जो टूरिज्म प्लेस नेपाल में काफ़ी सारे हैं, जो बहुत ही मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व नहीं किया हो, जो काफ़ी सारे वीडियो बनाते हैं उसमें भी आप सब सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं इससे भी खुद जाकर आप सबको करना नहीं भूलिएगा कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप सब नए हैं तो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना कि कितनी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप सब सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ मैं इंडिया के लिए बनाता हूँ, हिंदी भाषा में ब्लॉग हिंदी में बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय, चलते हैं, राधे राधे।